हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज, और देखेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को निकाला गया है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी देखेंगे, तो वीडियो को एंटर जरूर देखें। और आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जो है मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें, ठीक है। और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेंगे तो आप मेरे द्वारा बनाए गए कोई भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे वो है बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि असम में सिचुएटेड है। तो इसमें देखिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग टीचिंग पोस्ट ऑफ बोडोलैंड यूनिवर्सिटी। तो देखिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंट यानी सब मेंशन कर रखे, तो यहाँ पे जितने ऑलमोस्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, एसएमईज, बोडो, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट के लिए जो वैकेंसी को निकाला गया है। साथ ही देखिए प्रोफेसर की वैकेंसी को भी निकाला गया है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को भी निकाला गया है। तो ये अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और कौन से सब्जेक्ट में आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं। साथ ही देखिए इन्होंने पे स्केल मेंशन कर रखा है, एज पर यूजीसी नॉर्म्स 1,44,200 टू 2,18,200 फॉर प्रोफेसर, 1,31,400 टू 2,17,100 फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इट विल बी 57,700 टू 1,82,400, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो देखिए जो क्वालिफिकेशन वो एज पर यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका पीएचडी डिग्री होनी चाहिए कंसर्ड या रिलेवेंट डिसिप्लिन में, और साथ ही साथ आपका जो है मिनिमम और 10 पब्लिशर्स पब्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और आपको 10 ईयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए या रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर बात करें हम एसोसिएट प्रोफेसर की, तो एसोसिएट प्रोफेसर में भी ऐसा ही है कि आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और आपका एमएससी जो है 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और आपको 8 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ठीक है, और आपने सीएसआई यूजीसी नेट जो है वो क्लियर करना होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप 2009 से पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपको नेट की जरूरत नहीं है, अगर आपने पीएचडी में 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने पीएचडी जो है किसी और फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने पीएचडी किया है, तो इट शुड कम विद इन 500 रैंक इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, चाहे वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्यूएस की ले लीजिए आप, या टीएचई की, या एआईडब्ल्यूई की, तो इन रैंकिंग में आपकी जो यूनिवर्सिटी वो टॉप 500 रैंकिंग में आनी चाहिए, तभी जो है आप इन पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे जनरल और कैटेगरी के लिए 1,000 रुपीज, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपीज का यहाँ पे आपको जो है फी पेमेंट करना पड़ेगा। और जो फी पेमेंट है वो आप जो है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ द रजिस्टर बोडोलैंड यूनिवर्सिटी पेबल एट एसबीआई, ठीक है। तो ये आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के जो है वो सेंड करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब बात करें लास्ट डेट, तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो मेंशन कर रखी है 16 नवंबर अप टू 3 PM, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या सेल्फ एड्रेस करना है, स्टैंप लगाना है 5 रुपीज का, और आपको जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म और आप जो भी आपका टेस्टिमोनियल्स हैं, जो भी जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या नेट का सर्टिफिकेट, वो सब आपको जो है लगा के भेजना है, ठीक है। अब बात करें इसमें देखिए मेंशन किया पेंशन, तो ऑल रिक्रूटमेंट शैल बी गवर्न्ड बाय प्रोविजनल अंडर न्यू पेंशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद ऑल अमेंडमेंट मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हिच एवर इज एप्लीकेबल, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जो लाइक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ये जो है, अब आप जितने भी एप्लीकेशन आएंगे तो उन्हें शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, और उसमें जैसे भी शॉर्टलिस्ट करेंगे तो उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो आपको जो एप्लीकेशन मेंशन करना है एनवेलप पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डेड है, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करें जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर और सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है और सेंड कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एड्रेस दे रखा है ऑलरेडी, मैंने आपका डिस्कस कर लिया है, तो आप जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिए और अपने टेस्टिमोनियल्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आपको सेंड कर देना है। तो हम बात करें दूसरा, तो दूसरी जो यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे मांगा गया है ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर आर्ट कॉमर्स ह्यूमैनिटीज लॉ साइंस सोशल साइंस लाइब्रेरी साइंस लैंग्वेज जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन होम साइंस डिसिप्लिन एंड कॉलेज लाइब्रेरियन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉलेज है वो भीवापुर महाविद्यालय के लिए जो एप्लीकेशन है वो मांगा गया है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मराठी, और जो नंबर ऑफ पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वो भी आप मेंशन कर रखी है। और सबसे बढ़िया बात जो नेचर ऑफ पोस्ट है ये फुल टाइम यानी ये रेगुलर पोस्ट है, और कैटेगरी भी आप मेंशन कर रखी है, तो आप जो है जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिस सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हैं वो सब्जेक्ट में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं।
तो बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जैसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया, आपका 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में, ठीक है। और साथ ही साथ आपने कोई भी CSI, UGC, नेट या स्लेट जो नेट एग्जाम है वो क्रैक करा होना चाहिए। वहीं अगर आपने यार PhD जो रजिस्ट्रेशन है वो 2009 से पहले, तो आपको कोई भी नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। या अगर आपने जो PhD है वो किसी टॉप लाइक फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने की है, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने PhD किए हो, ये शुड कम अंडर 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और जो रैंकिंग दे रखी है वो QS द और ARWU रैंकिंग में आपकी जो यूनिवर्सिटी है टॉप 500 में आना कंपलसरी है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जो एप्लीकेशन जो भी आप फिलअप करेंगे, तो उसे आपको अपने टेस्टिमोनियल्स के साथ सेंड कर देना है बिफोर 2 नवंबर 2020। तो बिफोर 2 नवंबर 2020 आपका जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जाना चाहिए यूनिवर्सिटी के कॉलेज के पास, ठीक है। अब आपको जो यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर बनवाना पड़ेगा वो 100 रुपीज का बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर एंड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द रिलेवेंट सर्टिफिकेट। जैसे मैं आपको बताया, आपको एप्लीकेशन के साथ अपनी जो सर्टिफाइड कॉपीज है आपके टेस्टिमोनियल्स की या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, वो सारा आपको सेंड करना है अपने एप्लीकेशन के साथ, और इट शुड रीच बिफोर 2 नवंबर 2020, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च द यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर इनोवेशन। तो यहाँ पे देखिए फैकल्टी के लिए बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, मटेरियल साइंस, मैनेजमेंट, डाटा साइंस के लिए जो है वैकेंसी को निकाला गया है। अगर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं www.ir.ac.in/careers, या आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो CV है वो सेंड कर सकते हैं jobs@dir.ac.in। और ये सारा जो भी आपका CV है वो इट शुड रीच इन द फॉलोइंग लाइक टू द फॉलोइंग एड्रेस बिफोर 4 नवंबर 2020, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आया है वो यूनिवर्सिटी जो कि बरेली में सिचुएटेड है, तो वहां से आया है। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो वैकेंसी है वो मांगा गया है। यहाँ पे साइंस के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट यानी कि जितने सब्जेक्ट हैं वो सबके लिए जो है एप्लीकेशन जो इन्वाइटेड है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो क्वालिफिकेशन है एज पर UGC, AICTE, NCT, RCI, BCI के अकॉर्डिंग रहेगा, और जो नॉर्म्स आपको मिलेगा वो एज पर UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पे स्केल जो मिलेगा। अब अगर आपके पास PhD है या नेट गेट आप क्वालिफाई हैं और आपको गुड टीचिंग है, तो आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जो है सेंड कर सकते हैं अपना CV recruitment@dir.univ.org पर, और यहाँ पे लेकिन आपको क्लियरली मेंशन करना कि आप जो है कौन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए एक और नोटिफिकेशन, नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो हमारा आदित्य कॉलेज जहाँ पे इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर है HOD। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन इन्होंने PhD इन मैनेजमेंट या कॉमर्स होनी चाहिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फुल टाइम और पार्ट टाइम है, और जो क्वालिफिकेशन है वो UGC नेट, MCOM, MBA तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आप जो है अगर इन सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप सब्जेक्ट मेंशन कर रहा है MSc बायोटेक, बॉटनी, केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो यहाँ मेंशन कर रखे हैं, तो अगर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल ID यहाँ मेंशन कर रखे, तो अपना रेज्यूम जो है और जो टेस्टिमोनियल्स और फोटो जो है आपको सेंड करना है aims.director@gmail.com पे, तो यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।